सरोकार। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने आज होगी कांग्रेस की पेशी। सोनिया अध्यक्ष, कांग्रेस आज कर सकती है हंगामा। कर्नाटक में बीजेपी के युवा नेता की हत्या, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। सीएम बोले जल्द गिरफ्तार होंगे हत्यारे। मुख्य न्यायाधीश एलवी रमणा ने कहा, तथ्यों को लोगों के सामने रखना मीडिया की जिम्मेदारी, स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़। पहाड़ों से मैदान तक आफत, एमपी, राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, अर्शदीप को मिल सकता है मौका। आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मऊ जिले के 3 थानों में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत उनके परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद से पुलिस बाहुबली मुख्तार के साथ साथ उनके परिवार वालों की भी अब तलाश कर रही है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गृह जनपद गाजीपुर के सभी ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी की है, जिसके बाद दरवाजों पर कोर्ट में बिना देरी किए हुए पेश होने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। देखिए, 2020 में थाना दक्षिण टोला पर एक मुकदमा तहसीलदार सदर मऊ की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि विकास कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी है, जिसमें मुख्तार अंसारी की जो वाइफ है आफ्रा अंसारी और अन्य पार्टनर्स के द्वारा इसमें कूट रचित दस्तावेजों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर आक्रमण किया गया था और उसी पर उनके द्वारा जो लोन लिए गए थे वो भी फर्जी दस्तावेजों के तहत लिए गए थे। उसी मुकदमे में सभी पर चार्जशीट लगाई गई थी। उस आधार पर और अन्य जो इनका एक पुराना लंबा आपराधिक इतिहास पूरे परिवार का रहा है, उसके अनुसार थाना दक्षिण टोला पर FIR संख्या 20/22 गैंगस्टर अधिनियम, उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद गतिविधियां प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। उस क्रम में इनके जो गिरफ्तारी के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। बार बार जो माननीय न्यायालय के नोटिस है, पुलिस की जो कार्यवाही है उसकी अवहेलना तो इनके द्वारा लगातार की ही जा रही है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW और अन्य प्रक्रिया और अन्य नोटिस भी हैं, उसका भी अवहेलना इनके द्वारा किया जा रहा है। बुलंदशहर में सावन के पावन अवसर शिवरात्रि पर आम जनमानस में कांवड़ लाने का जोश बेहद ही नजर आ रहा है। वही किन्नर समाज के कुछ लोग भी महादेव पर जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए हैं। किन्नरों का एक दल बुलंदशहर से हरिद्वार के लिए कांवड़ लेने गया था, जो शिवरात्रि के पर्व पर जल लेकर बुलंदशहर अब पहुंच चुका है। वही किन्नरों द्वारा कांवड़ लाने पर जगह जगह श्रद्धालुओं का किन्नरों का विशेष स्वागत किया गया। किन्नरों का यह समूह शिवालयों में जलाभिषेक भी करेगा। सभी बच्चों वाले के लिए दुआ करके आई हूँ। आई एम गर्ल्स किन्नर, मैं एक गर्ल्स किन्नर हूँ, बुलंदशहर में रहती हूँ। आप किस समुदाय से जुड़े हैं और आपके साथ कितने लोग कौन कौन हैं? हम एक किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए हैं। आपके साथ आपके बेड़े में कितने लोग हैं? इस वक्त मेरे साथ आए थे 10 जने आए थे, अब हम 3 जने रह गए, बाकी आगे निकल गए थोड़े से। आपके साथ जितने लोग हैं वो भी किन्नर समाज से जुड़े हैं? काफी किन्नर लोग आए हुए हैं हमारे साथ। समाज को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देंगे, हम लोगों ने मनोकामना करी थी कि ये कोरोना दूर चला जाए तो हम आपको भोले बाबा जल लेके आएंगे हरिद्वार से, तो वो हमारी मनोकामना पूरी हुई तो हम उसके लिए जल लेके आए थे। और सारे बच्चों वाले और आपके लिए दुआ करके आए, बच्चे वालों के बच्चे जी में मारी सबके भंडार। अमेठी जामो कस्बे में SP की निगरानी पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इसके साथ ही SP ने व्यापारियों से रोड पर अतिक्रमण नहीं करने की भी अपील की है। अतिक्रमण के चलते आए दिन लोगों को समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं SP ने जामो थाना पहुंचकर कार्यालय संबंधित रजिस्टरों की भी जांच की, तो एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जनपद को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अमेठी में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस दौरान पुलिस द्वारा लोगों से यह भी अपील की गई कि वो अवैध तरीके से अतिक्रमण ना करें। जामो थाने के अंदर जामो कस्बे में फूड पेट्रोलिंग किया गया था,
फुट पेट्रोलिंग के द्वारा ट्रैफिक का व्यवस्था सुधारने के लिए, पुलिस का विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और ये बाकी फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभाग में निर्देश किया गया है। उसके बाद मेरे द्वारा थाने में भी निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कुछ रेस्टरों चेक किया गया, परिसर में भी भ्रमण किया गया, इसमें सुधरने के लिए थाना प्रभारी का मेरे द्वारा आदेश भी। बलिया में मनियर ब्लॉक के सूर्यपुरा में अवैध रूप से चल रहे सूर्य हॉस्पिटल पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जिले में कई जगहों पर अवैध तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल चलाए जा रहे थे। हॉस्पिटल को सीज करने के बाद मरीजों को पीएससी मनियर में शिफ्ट कर दिया गया है। खबर बलिया से निकल के सामने आ रही है, जहां अवैध हॉस्पिटलों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई अस्पतालों को सीज कर दिया है, जिसके बाद ही इन सभी अस्पताल में भर्ती मरीजों को सीज करने के बाद पीएससी मनियर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इलाज हो रहा था, वो लोग गए तो बोले कि यहाँ इनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है, तुम लोग चले जाओ जाकर वहाँ पे दिखा लो दूसरे अस्पताल में दिखा लो। तो कब आपका ऑपरेशन हुआ था, कब हुआ था? इसी महीने में हुआ था। आप भर्ती थे वहाँ पे? हाँ, हम लोग मतलब दवा ववा के लिए गए थे। तो फिर क्या हुआ, उस अस्पताल को बंद कर दिया गया? हाँ, सील कर दिया। प्रभारी सर ने हमको फ़ोन किया कि सुरपुरा से कुछ मरीज जा रहे हैं, उनको आप देख लें, आपको देखने के बाद लगता है कि वो मरीज ठीक हैं तो वो कागज़ पर रिटर्न दे करके कि हम ठीक हैं, हम घर जाना चाहते हैं, उनको आप छोड़ दें, और जो मरीज लगते हैं कि क्रिटिकल हैं, इनका इलाज जरूरी है जिला अस्पताल पर, उनको आपको रेफर कर दें। जी कैसे क्यों आए थे वहाँ से, कुछ जानकारी से थोड़ा मोड़ा सर? ये प्रभारी समय ज़्यादा बात हमसे नहीं हो पाए, उन्होंने बस हमको इतना निर्देश दिया। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के फंड में हुई कटौती को लेकर एएमयू छात्रों ने कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रोक्टर को सौंपा है, जिसमें उन्होंने पहले की तरह फंड आने की मांग की है। फंड की कटौती की गई है, अलीगढ़ मुस्लिम के 306 करोड़ का फंड जो कटौती की गई है ओवरऑल, और दूसरा जो जामिया मिल्ला के 62 करोड़ की जो कटौती की गई है, और जो जेएनयू और बीएचयू, जेएनयू का 15% इंक्रीज करना फंड का और बीएचयू का डबल करना, हम लोग सिर्फ ये सवाल करना चाहते हैं हुकूमत हिंद से कि अलीगढ़ मुस्लिम जामिया मिल्ला इस्लामिया से आखिर ऐसा कौन सी तासुबरी नज़रों से देख रहे हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम और जामिया मिल्ला आपकी नज़रों में खटक रही है? क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्ला इस्लामिया ने क्या आपको ऐसे कोई रिजल्ट नहीं दिए, चाहे वो तालीम के हिसाब से बात करें या खेल के मैदानों में बात करें या किसी भी फील्ड में ऐसी बात करें, किसी भी रिसर्च में बात करें, अगर रिसर्च की पेपर उठा कर देख लिया जाए तो हम समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिल्ला इस्लामिया का हमेशा से रिजल्ट अव्वल रहा है। तो आज जब इतना सब कुछ होने के बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्ला इस्लामिया का फंड की कटौती की वजह बताएं, आखिर वजह क्यों कटेगी? हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो कटौती हुई है उस फंड को। आजमगढ़ में मंडल कारागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग राय के साथ अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कारागार के बैरकों में 12 मोबाइल फोन और उनके चार्जर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई आपत्तिजनक चीजें भी जिला कारागार से निरीक्षण के दौरान बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 4 घंटे तक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान तमाम कई ऐसी चीजें हैं जो बरामद की गई, जिसमें मोबाइल फोन, चार्जर, नशीले पदार्थों के साथ साथ कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी शामिल हैं। आज यहाँ जिला कारागार का हम एसपी साहब और एडिशनल एसपी एडीएम के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। आकस्मिक निरीक्षण में 12 मोबाइल फ़ोन, कुछ चार्जर,
और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिस संबंध में जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा और प्रशासनिक और वैधानिक दोनों कार्रवाइयाँ होंगी। अलीगढ़ में खैर कोतवाली के सोफा चौकी क्षेत्र के एक गांव में शौच करने गई महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला ने चीख चीख कर दुष्कर्म करने आए हैवानों से अपनी जान बचाई और पीड़ित महिला ने पूरे मामले की तहरीर कोतवाली में अब दी है। खबर अलीगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जहां एक तरफ लगातार ये दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा कि प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन जब ऐसी खबरें निकल के सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के वादों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर किस तरह से प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की वारदात सामने आती है। शौचालय करने गई थी तो मुझे पता नहीं पहले से वहाँ था या नहीं था वो, तो मैं लेटरिंग करने बैठी रही थी तो इतने में आके मेरी पीछे से बगल भर ली उसने, बगल भरकर मुझे ग्वाड़ के खेत में ले गया खींच के। तो ग्वाड़ के खेत में ले जाकर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरी छाती फाती पे हाथ डाला और ज़बरदस्ती की। तो जैसे उसने ज़बरदस्ती की तो मैं एकदम ज़ोर से चीखी तो वो खड़ा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।